हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल। आज हम आपको समुच्चयों का अंतर की परिभाषा बताएंगे। आपको प्रीवियस वीडियो में ऑपरेशंस आंसर्स बताया गया था, समुच्चयों पर संक्रियाएं। समुच्चयों पर संक्रियाएं के अंतर्गत तीन भाग आता है, तीन पार्ट है। पहला है समुच्चयों का संघ, दूसरा है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, और तीसरा है समुच्चयों का अंतर। आप जो है कि प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे अंकगणित में जोड़ घटाना गुणा भाग, यह भी क्या है, संक्रियाएं हैं। यदि हम एक में दो जोड़ेंगे तो इसका मान तीन आएगा, एक में दो का गुणा करेंगे तो इसका मान क्या आएगा, दो आएगा। तो आप जोड़ घटाना गुणा भाग किस प्रकार वर्क करते हैं इसका अध्ययन प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं, और समुच्चय में संक्रियाएं आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया था कि यूनियन, यूनियन हुआ, इंटरसेक्शन हुआ, इसको यूनियन बोलते हैं। यूनियन का अर्थ होता है संघ या सम्मिलन, इंटरसेक्शन का अर्थ होता है सर्वनिष्ठ या प्रतिच्छेद, और अंतर समुच्चय ए माइनस बी, यह जो माइनस है, इन्हीं तीन का अध्ययन जो है आपको ऑपरेशंस आंसर्स में करेंगे, समुच्चयों पर संक्रियाएं, जिसका यह तीसरा पार्ट आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको समुच्चयों का अंतर की परिभाषा क्या है, दो समुच्चय ए और बी हैं, ध्यान से सुनिए, दो समुच्चय ए और बी हैं, ए माइनस बी के उन अवयवों का समुच्चय जो ए में हो, ए माइनस बी के उन अवयवों का समुच्चय जो ए में हो और बी में नहीं, ए में हो और बी में नहीं, इसे ए और बी समुच्चयों का अंतर समुच्चय कहते हैं। इसे ए और बी समुच्चयों का अंतर समुच्चय कहते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल एक मैं ले रहा हूं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताने का प्रयास है। जैसे a इज इक्वल टू हम लिख दें 1, 2, 3, 4, और b इज इक्वल टू लिख दें 2, 3, 4। दो सेट्स मैंने लिए हैं। पहला सेट है, आपको बताया गया था प्रीवियस वीडियो में किसी भी समुच्चय को बड़े अक्षरों से लिखते हैं, कैपिटल लेटर्स से। तो a इज इक्वल टू हम मान लिए कि 1, 2, 3, 4 है, और b इज इक्वल टू मैंने मान लिया 2, 3, 4 है, और आपसे कोई क्वेश्चन करे कि a माइनस बी ज्ञात करिए, अंतर समुच्चय, तो a माइनस बी की परिभाषा अभी बताई गई है कि दो समुच्चय a और b हैं, a माइनस बी के उन अवयवों का समुच्चय जो a में हो और b में नहीं, इसे a और b समुच्चयों का अंतर समुच्चय कहते हैं। तो a में तो होगा और b में नहीं, a माइनस बी का मतलब होता है a में हो b में न हो, b माइनस a का मतलब होता है, यदि मैं कह दूं b माइनस a, तो b में हो a में नहीं, b में हो और a में नहीं। तो a के वे एलिमेंट, इसका मतलब a माइनस बी का मतलब परिभाषा के माध्यम से इस पर मैं विचार दे रहा हूं। a माइनस बी का अर्थ हुआ कि a के वे एलिमेंट जो b में न हो, b माइनस a कर दिया जाए तो b के वे एलिमेंट जो a में न हो। तो यहां पर आपको प्रश्न पूछ रहा है कि a माइनस बी को आप ज्ञात करिए,
फाइंड आउट ए माइनस बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी। तो ए में हो और बी में नहीं, तो ए के वे एलिमेंट, तो अब पहले आप लिखिए ए का मान क्या दिया है, 1 2 3 4, माइनस बी के स्थान पर लिखेंगे 2 3 4। तो एक माइनस बी का मतलब क्या हुआ कि वह एलिमेंट ए में तो होगा लेकिन बी में नहीं। देखिए 2 3 4 जो है बी में मौजूद है, तो हम ए का वही एलिमेंट लेंगे जो बी में ना हो। ए में तो होगा लेकिन बी में वह एलिमेंट नहीं होगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो बी में क्या है, नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए माइनस बी आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, कर्ली ब्रैकेट में 1 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ए माइनस बी का मतलब हुआ कि ए में तो होगा वह एलिमेंट लेकिन बी में नहीं होगा। आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में समुच्चयों के प्रतिच्छेद या सर्वनिष्ठ के गुण के बारे में बताया जाएगा।